मुंबई ड्रग्स केस में एक बड़ा अपडेट सामने आया है। एनसीबी की टीम गुरुवार को बॉलीवुड एक्ट्रेस अनन्या पांडे के घर पहुंची। अनन्या पांडे को एनसीबी ने समन भी किया। एक्ट्रेस को एजेंसी ने आज दोपहर 2 बजे पूछताछ के लिए बुलाया था, लेकिन अब तक अनन्या पांडे नहीं पहुंची है। अनन्या पांडे जाने माने एक्टर चंकी पांडे की बेटी है। एनसीबी ने अनन्या पांडे का फोन भी जब्त किया है। एनसीबी अधिकारी का ये भी कहना है कि अनन्या को समन करने का ये मतलब नहीं है कि वो सस्पेक्ट हैं, ये जांच का हिस्सा है। आर्यन खान और अनन्या पांडे की चैट एनसीबी को मिली थी। चैट में नशे को लेकर बातचीत हो रही थी। इस चैट के बाद एनसीबी एक्शन में आई है। ये चैट सुनवाई के दौरान अदालत को सौंपी भी गई थी। इंडिया टुडे की एक्सक्लूसिव जानकारी मिली थी कि आर्यन खान के साथ बॉलीवुड की उभरती हुई एक्ट्रेस का चैट एनसीबी को मिला है। कोर्ट में बहस के दौरान एनसीबी की टीम ने आरोपियों के जो चैट अदालत को सौंपे, उसमें आर्यन के साथ अनन्या की चैट भी शामिल है। आर्यन के कुछ ड्रग पैडलर के साथ चैट अदालत को सौंपे गए हैं। चंकी पांडे और शाहरुख खान के बच्चों के बीच अच्छा बॉन्ड है, वे सभी आपस में दोस्त हैं। अनन्या पांडे शाहरुख खान की बेटी सुहाना खान की बेस्ट फ्रेंड फॉरएवर है। आर्यन खान के साथ भी अनन्या की दोस्ती है। ये सभी स्टार किड्स साथ में पार्टी हैंग आउट भी किया करते हैं। वर्क फ्रंट की बात करें तो अनन्या पांडे ने फिल्म स्टूडेंट ऑफ द ईयर से बॉलीवुड में डेब्यू किया था। इस पहली फिल्म में वह टाइगर श्रॉफ और तारा सुतारिया के साथ नजर आई। इस फिल्म के लिए अनन्या को बेस्ट फीमेल डेब्यू का फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला। गुरुवार की सुबह ही शाहरुख खान ने अपने बेटे आर्यन खान से ऑर्थर रोड जेल में जाकर मुलाकात की थी। दोपहर तक एनसीबी की टीम उनके घर मन्नत पहुंच गई। एनसीबी की टीम किंग खान के घर पर नोटिस देने गई थी। दोस्तों, अब आर्यन खान के बाद अनन्या पांडे भी ड्रग के चलते एनसीबी के घेरे में आ चुकी है। आपकी इस बारे में क्या राय है कमेंट में जरूर लिखें। साथ ही ऐसे और भी ट्रेंडी न्यूज पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।